Hello, Aspirers. This is Yash, and welcome back to Assist City Point. So, what is our today's goal? Our today's goal is to learn about the simple preposition by. आज के सेशन में हम by के uses देखेंगे. Why? Because in the last session we learned about what? We learned about preposition for. ठीक है? तो ऐसे step by step हम एक-एक preposition for one session करते जा रहे हैं. हाँ. तो start करते हैं preposition by को. By आपने बहुत बार सुना होगा, use भी किया होगा. अच्छा, ये by ये वाला by है. ठीक है? By वाला by जो है वो verb है. ठीक है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है. तो इस वाले बाय को आपने बहुत बार यूज किया होगा, आई कैन बी श्योर ऑफ दैट कि भाई आपने यूज किया होगा. बट हो सकता है कुछ ऐसे यूजेस हों जो आपको ना पता हो, विच इज और विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एसेंशियल फॉर योर एग्जाम, है ना. तो इसलिए लेक्चर जरूरी है आज का. चलो आगे बढ़ते हैं, यूजेस पे डायरेक्टली आ जाते हैं, बिकॉज यूजेस के अलावा कुछ और काम ही नहीं है अपने पास, है ना. तो इसकी डेफिनेशन तो होती नहीं है. अच्छा, ये जो है पहले मैंने जो है ऑफ लिख दिया बिफोर कमिंग टू लेक्चर, बिफोर गेटिंग इट रिकॉर्डेड. मैं क्या देख रहा था, एक बार रिव्यू कर रहा था कोई मिस्टेक ना हो, तो मैंने मिस्टेक देख ली कि भाई यहाँ पे जो भी था उसको मिटो के मैंने क्या कर दिया, इरेज करके मैंने ऑफ लिख दिया है. ठीक है, और बाकी सब सही है स्लाइड्स में. तो यूज स्टार्ट करेंगे पहले यूज से. हमारा क्या कहता है, यूज टू डिनोट एन एजेंट और डूअर ऑफ एन एक्शन. एजेंट क्या होता है, एजेंट, एजेंट मतलब कुछ कैरी करना, है ना. यानी कि आपको पता ही है, जैसे केमिकल रिएक्शन में भी कोई एजेंट होता है, ठीक है, जो कुछ लेके जाता है, है ना, या जो एज अ क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है ना. और या डूअर, मान लो डूअर मतलब क्या होता है, ये जो है किससे बना है, डू से बना है, डू के बाद ईआर लगा दो, डूअर हो गया. डूअर मतलब करता, है ना, किसका, एक्शन का. यानी कि कोई एक्शन को करने वाला, सिंपल सी बात ये है. ठीक है, कोई एक्शन को, कोई भी एक्शन हो रहा हो, वो कोई भी एक्शन हो, उस एक्शन को जो करने वाला है वो किसके थ्रू डिनोट हो सकता है, प्रपोजिशन बाय से. जैसे एग्जांपल, द मैन वॉज शॉट, शॉट नहीं होगा, शॉट होगा, है ना, बाय द गैंगस्टर. अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, द मैन वॉज शॉट बाय द गैंगस्टर, यानी कि गोली मारी गई. किसको गोली मारी गई, मैन को गोली मारी गई. ठीक है, किसके द्वारा मारी गई, गैंगस्टर के द्वारा मारी गई. ठीक है, तो जिसने एक्शन किया, गोली किसने चलाई, गैंगस्टर ने चलाई, उससे पहले क्या लग जाएगा, बाय लग जाएगा. और यहाँ पे जो बाय की हिंदी होती है वो होती है द्वारा. आई होप मैंने द्वारा सही लिखा हो, है ना. तो यानी कि कोई भी एक्शन हो रहा है, उसका जो कर्ता धरता है एक्शन का, उससे पहले लगा दोगे आप बाय, प्रपोजिशन बाय. ठीक है, तो गोली मारी गई या आदमी को गोली मारी गई किसके द्वारा, गैंगस्टर के द्वारा. नेक्स्ट, अ स्ट्रीट डॉग वॉज सप्रेस्ड बाय द कार. अ स्ट्रीट डॉग वॉज सप्रेस्ड बाय द कार. ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रीट डॉग है, ठीक है, सप्रेस्ड मतलब दबा दिया गया. किसने दबाया, कार ने दबाया. तो जो डूअर है, एजेंट है, उस एक्शन का कार है, द कार, तो उससे पहले क्या लगा दिया, बाय लगा दिया. तो प्रपोजिशन बाय केवल और केवल एक्शन के डूअर से पहले आएगा और कहीं फिट नहीं करना. ठीक है, तो पोजीशन मैटर करती है प्रपोजिशन की. ठीक है, आपको पता है कि प्रपोजिशन के बाद केवल और केवल नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, तो यहां पे वही है. तो जो गली का डॉग था, ठीक है, वो दबा दिया गया किसके द्वारा, कार के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, है ना. तो ये पहला यूज समझ में आ गया. अब है सेकंड यूज, टू रेफर टू राइज और फॉल ऑफ समथिंग. राइज मतलब उठना, फॉल मतलब गिरना. ठीक है, कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी हो, उसका उठना या गिरना कैसे इंडिकेट किया जा सकता है, प्रपोजिशन बाय से. ठीक है, रिलेट मतलब, रिलेट कैसे की होगी, प्रपोजिशन बाय से. जैसे द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज रिजन बाय 50%. ठीक है, ये कहना चाह रहा है जो पेट्रोल का प्राइस है, ठीक है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ा है, रिजन हुआ है, ठीक है, बाय 50%. तो यहाँ पे जितने परसेंटेज से बड़ा है या घटा है, ठीक है, उससे पहले क्या लगा दो आप, प्रोविजन बाय लगा दो. तो इस तरीके से आप यूज करोगे, चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा, ठीक है, वो मैटर नहीं करता. अगर चेंज हो रहा है तो उससे पहले क्या लगा दो, प्रोविजन बाय लगा दो. ठीक है, तो 50% बड़ा था तो बाय का यूज करोगे हमेशा. ठीक है, ये इस तरह के स्टेटमेंट जो है तुम्हें ना मैथमेटिक्स के अंदर बहुत दिखेंगे, क्योंकि मैंने एक बार वो टाइम एंड वर्क, वैसे तो मेरे को मैथमेटिक्स के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पहले मैं एक बार ट्राई करा था. ठीक है, तो सीपीओ तो मैंने भी निकाला हुआ है, तो उस केस में मैंने मैथ्स पढ़नी पड़ी थी, मेरे को इतनी नहीं आती है सीपीओ में, बट पढ़नी पड़ी थी. तो मैंने वहां देखा था जो टाइम एंड वर्क होता है, उसमें टाइम एंड वर्क होता क्या होता है, शायद डिस्काउंट वाला होता है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला. तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स थे जिसमें बढ़ना और घटना दिखा रखा था. तो वहां पे बार बार बाय प्रपोजिशन आ रही थी, बढ़ने से या घटने से, पहले वाले वर्ड से, है ना. तो इस तरह के स्टेटमेंट आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपके करियर में और बुक्स में और लाइफ में. आगे बढ़े, थर्ड पे आएंगे. थर्ड क्या कहता है, टू रेफर टू द क्रिएटर और मेकर ऑफ समथिंग. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कुछ भी चीज है,
वो किसने बनाई है, क्रिएट किसने करी है या बनाई किसने वही है, ठीक है। तो उससे पहले क्या लगाओगे, बाय लगाओगे। मतलब अगर मैं आज कुछ प्रोडक्ट बनाता हूं तो उसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, बाय मी, ठीक है। मतलब बुक्स में या न्यूज़पेपर में या रिटर्न में बाय के साथ मेरा नाम लिखा जाएगा, लाइक ओवर हियर, हैरी पॉटर इज अ नोवल बाय जेके रॉलिंस, रॉलिंग्स। अब सिंपल सी बात है, हैरी पॉटर तो आपने देखी होगी, ठीक है। इनका असली नाम है डैनियल रेडक्लिफ, है ना। तो मैं तो बहुत बड़ा फैन था हैरी पॉटर का, मैंने पूरे 8 एपिसोड्स, मतलब 8 मूवीज देख रखी हुई है, और वेट कर रहा हूँ कि भाई हैरी पॉटर द कर्स्ड चाइल्ड आ जाए, बट शायद उसके साथ कोई कंट्रोवर्सी हो गई है, नहीं आ रही है। बट आई लाइक दिस सीरीज अ लॉट, ठीक है, एंड आई स्टिल लाइक इट। एंड अगर दोबारा मौका मिलेगा हैरी पॉटर देखने का, नॉवल वगैरह नहीं पढ़ी है मैंने, बट मूवीज के थ्रू देखा है, तो अगर दोबारा मौका मिलेगा देखने का जरूर देखूंगा, ठीक है। तो हैरी पॉटर एक्चुअली में ये जो है लिखी गई थी किसके थ्रू, किसके द्वारा, जेके रॉलिंग्स, ठीक है। इस तरीके से वो जो नॉवल है सबसे पहले जेके रॉलिंग्स ने लिखी थी, इनकी स्टोरी पढ़ना आप, बायोग्राफी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है, ठीक है। इन्होंने जितना स्ट्रगल देखा है, अगर आपके लाइफ में भी स्ट्रगल है तो यू कैन वॉच हर स्टोरी, ठीक है। इट वुड बी मोटिवेटिंग फॉर यू, वाई, बिकॉज मैंने पढ़ा है इनके बारे में, ठीक है। तो कैसे इनका स्ट्रगल था, कैसे इनको मतलब पहले डीमोटिवेट किया गया, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता, ये क्या लिख रही है, कौन सी स्टोरी लिख रही है, हैरी पॉटर वगैरह, है ना। लेकिन बाद में जो हुआ आपको सबके सामने ही है। तो यहाँ पे हैरी पॉटर जो है बताया गया है, हैरी पॉटर जो नॉवल है वो तो किसके द्वारा है, जेके रॉलिंग्स, यानी कि जो ऑथर है, क्रिएटर है, मेकर है, उससे पहले प्रोविजन बाय का यूज कर दो, है ना। चलिए नेक्स्ट, बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हो गया, फादर कम्स बैक। अच्छा, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, पता है ना आपको, मतलब कोई ऐसा पॉइंट, मतलब AM, PM, है ना, या जो पीरियड ऑफ टाइम ना हो, जो ड्यूरेशन को इंडिकेट ना कर रहा हो, सीधा पॉइंट को उठा रहा हो, सीधा डेफिनेट टाइम को इंडिकेट कर रहा हो, वो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। तो उनसे पहले यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले यूज होता है प्रपोजिशन बाय, कैसे देखते हैं। फादर कम्स बैक होम, होम तो नहीं लिखा हुआ, ऐसे बोल दिया मैंने, फादर कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस बाय 10 PM, ठीक है। अब यहाँ पे बाय की हिंदी थोड़ी चेंज हो जाएगी। मैंने आपको प्रपोजिशन फॉर वाले सेशन में बताया था कि आपको सेम प्रपोजिशन का हिंदी याद नहीं रखनी, मतलब सेम हिंदी किसी प्रपोजिशन की नहीं होती है, कि अगर फॉर किसी सेंटेंस में के लिए को बोलता है, के लिए को इंडिकेट कर रहा है, तो किसी किसी सेंटेंस में फॉर की हिंदी से भी होती है। तो इनकी हिंदीज जो है चेंज होती रहती है, हिंदीज कोई वर्ड नहीं है, ऐसी बोल दिया मैंने, तो जो प्रपोजिशन की हिंदी है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब तक मैंने बताया था यहाँ तक जो प्रपोजिशन बाय है उसकी हिंदी द्वारा थी, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशन बाय की हिंदी चेंज हो गई है, है ना। कैसे चेंज हो गई देख लेते हैं। फादर कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस बाय 10 PM। यहाँ पे पहली बात तो ये ध्यान रखो, 10 PM क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, इतना पता है, पहली बता चुका हूं, दोबारा इस पर बात नहीं करूंगा, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। पापा घर आते हैं ऑफिस से 10 बजे तक, तो यहाँ पे जो बाय है उसकी जगह आप टिल भी लिख सकते हो, टिल भी लिख सकते हो, और हिंदी क्या हो जाएगी दोनों की, तो यानी कि प्रपोजिशन की कभी भी सेम सेम हिंदी इन ऑल दी सेंटेंसेस नहीं होती है, अलग अलग सेंटेंसेस में डिपेंड करता है कि कौन सी आपको हिंदी बनानी है या क्या सेंस बनता है उसका, ठीक है। तो अलग अलग हिंदी होती है प्रपोजिशन की, इस बात को ध्यान रखना। कोई जैसे वर्ड की एग्जैक्ट हिंदी होती है, किसी वोकैब की एग्जैक्ट हिंदी होती है, ऐसी प्रपोजिशन की एग्जैक्ट हिंदी होती नहीं है, डिपेंड करता है सेंटेंसेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बाय की हिंदी तक, पापा घर आते हैं ऑफिस से 10 बजे तक। नेक्स्ट, ऑल कैंडिडेट्स हैव टू कंप्लीट द सिलेबस बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। अब यहाँ पे मार्च की बात है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंपल सी बात है, बाय लगेगा, है ना। तो सीधा पॉइंट ऑफ टाइम उठा लिया है, तो बाय लगेगा क्या, टाइम से पहले। तो ये बोला जा रहा है कि भाई सभी कैंडिडेट्स को कंप्लीट करना है सिलेबस मार्च के महीने के एंड तक, है ना। तो वी नो कि भाई मार्च के महीने का एंड कब आता है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़े, फिफ्थ, मी नियर समबडी और समथिंग, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई किसी चीज के पास होना, ठीक है, या सट के होना, ठीक है। तो उसके लिए जो सेंस बनता है वो क्या बनता है, बाय का। अब यहां पर बाय की हिंदी अलग हो जाएगी, ऊपर अलग थी, यहां पे अलग हो जाएगी। कैसे, मदर प्लेसेस माय टी बाय द बेड बिफोर गोइंग टू ऑफिस। ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई मेरी जो मॉम है वो मेरी चाय रख देती है बेड के सिराने या बेड के टच में या बेड से सट के बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, यहां पे बाय की हिंदी अलग हो गई है। तो अलग अलग प्रपोजिशन का अलग अलग, मतलब सेम प्रपोजिशन का अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना, कोई परफेक्ट एग्जैक्ट हिंदी नहीं होती है। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, कुछ भी बना लो, टच में,
निकट या पास में, कुछ भी। द स्ट्रीट डॉग ऑलवेज सिट्स बाय अवर फ्रंट गेट। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है जो स्ट्रीट डॉग है वो हमेशा हमारे फ्रंट गेट के सिरहाने बैठता है, या निकट बैठता है, या सट के बैठता है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, इसकी जगह तुम ये भी बोल सकते हो बिसाइड। तो यहां पे ये जो बाय है वो बिसाइड का काम कर रहा है ना। बिसाइड भी एक तरह का प्रपोजिशन है, बट ये सिंपल प्रपोजिशन में नहीं आता, ये आता है शायद कंपाउंड प्रपोजिशन में। तो हम ये आगे बढ़ेंगे, शायद नहीं कंपाउंड प्रपोजिशन में आता है, हम ये आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स, इन प्लेस ऑफ इन अकॉर्डेंस विद। ठीक है, ये पूरे फ्रेज की जगह आपका बाय आ जाएगा। ठीक है, अगर इस पूरे फ्रेज का जो भी मतलब होगा वो बाय का मतलब हो जाएगा, यानी कि हिंदी अब भी चेंज हो गई है। व्हाट इज द टाइम बाय और वॉच, सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। इफ समबडी आस्क यू द टाइम, तो वो पूछेगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बाय योर वॉच का मतलब वहां पे क्या हो गया, इन अकॉर्डेंस विद योर वॉच, है ना। तो वहां पे जो बाय है वो इस पूरे फ्रेज की जगह आ रहा है, इन अकॉर्डेंस विद, तुम्हारी घड़ी के हिसाब से क्या टाइम हो गया है, है ना। बाय माय वॉच इट इज 9 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर भी दे सकते हो कि भाई मेरे घड़ी के हिसाब से 9 बज रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप समझ में आना चाहिए। सेवंथ, टू मीन ट्रैवलिंग अदर देन वॉकिंग, मतलब जब आप चल रहे हो तब बाय का यूज नहीं करोगे, जब आप चलने के अलावा कहीं जा रहे हो बस चल नहीं रहे हो, ठीक है, कोई व्हीकल है या कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, ठीक है, बाय का यूज करोगे। लेकिन चलने के लिए ऑन आता है, वो भी किसके साथ, फुट के साथ। मैंने बताया था ऑन के सेशन में कि भाई ऑन इस तरीके से यूज होता है कुछ वर्ड्स के साथ, ऑन फुट होता ना, ऑन फुट। चलिए, फादर गोज टू ऑफिस बाय कार एंड नॉट बाय बाइक, तो सिंपल सी बात है, व्हीकल के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका यूज करोगे, बाय का। कार है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या है, बाइक है, तो दोनों के लिए बाय का यूज करा। ठीक है, पापा ऑफिस जाते हैं गाड़ी से, बाइक से नहीं, ठीक है, यानी कि व्हीकल से पहले आप किसका यूज कर दोगे, बाय का यूज कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, नॉडी ट्रेवल्स बाय ट्रेन, अब यहाँ पे ट्रेन हो गया, तो पैदल चलने के अलावा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का साधन हो, कैसे भी जा रहे हो, किसी भी व्हीकल से जा रहे हो, पब्लिक हो प्राइवेट हो, बाय का यूज करोगे। ठीक है, तो नॉडी ट्रेवल्स बाय ट्रेन, अब यहाँ पे बाय का मतलब क्या होता है, बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ समझ में आ गया ना, उसके जरिए, बाय द वे ऑफ। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़े, एट, टू एक्सप्रेस मैनर। ठीक है, मैनर पता क्या होता है, तरीका, है ना, तो उसको भी क्या इंडिकेट करवाता है, क्या, बाइक। जैसे ही स्क्वीज्ड द लेमन बाय द हैंड, इसका मतलब क्या हो गया, तरीका बता रहा है कि उसने लेमन को कैसे स्क्वीज किया, स्क्वीज मतलब निचोड़ा, है ना। तो यहाँ पे बाय द हैंड तरीका बता रहा है कि भाई हाथों से निचोड़ा, यानी कि तरीके के लिए आप किसका यूज करोगे, बाय का। तरीके से पहले प्रपोजिशन बाय रख दो, जो भी तरीका यूज कर रहे हो काम करने के लिए। जॉन इजिली ब्रेक्स वॉलनट्स बाय हिज टीथ, तरीका क्या है, दांतों से तोड़ रहा है, इजीली तोड़ रहा है। ठीक है, तो तरीके से पहले, मैनर से पहले बाय यूज कर दो, है ना, तोड़ रहा है नहीं मतलब तोड़ता है, इजीली तोड़ देता है दांतों से। चलिए, नाइन्थ, टू इंडिकेट टू द एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट मतलब होता है डिग्री। ठीक है, मतलब कभी कभार डिग्री किसी की कितनी है ये इंडिकेट करवाता है बाय। डिग्री समझ में आ गया ना, जैसे टेम्परेचर होता है तुम्हारे, बुखार का डिग्री होता है, ना, यूनिट की बात कर रहा हूँ। वैसे बास्केटबॉल मिस्ड हिज हेड बाय 3 inches, मतलब एक सेकंड, द बास्केटबॉल मिस्ड हिज हेड बाय 3 inches। अब यहाँ पे बाय किसकी जगह ले रहा है, टू द एक्सटेंट ऑफ की जगह ले रहा है, कि भाई कितना कितना जो है इंचीज जो है वो मिस कर गई, यानी कि जो बास्केटबॉल थी उसके हेड से 3 inches मिस कर गई, कितना वाली क्या आएगी, हिंदी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, 3 inches मिस कर गई, आई गॉट लॉन्गर बाय 2 inches इन 9th standard, कि भाई मैं जो है लंबा हो गया था, ठीक है, 2 inches 9वीं कक्षा में, है ना, तो कितना हो गया था, 2 inches हो गया था लंबा 9वीं कक्षा में। ठीक है, और ये बात सही है, ये मैंने अपने आप को देख के जो है बनाया था, 9th standard में मेरी 2 inch हाइट बढ़ी थी। तो इस तरीके से समझ में आ गया ना, कैसे यूज करोगे आप बाय को, टू इंडिकेट सम एक्सटेंट या डिग्री ऑफ समथिंग। आगे बढ़े, अब है तुम्हारा 10th, 10th के लिए मुझे व्हाइट कलर यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ब्लैक काम नहीं करेगा। चलिए, टू मीन अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू आपको मतलब पता ही क्या होता है, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, तो उसकी जगह कभी कभार बाय ले सकता है। जैसे ही हायर्ड अ मेसन बाय द डे, मेसन बताना क्या होता है, ही हायर्ड अ मेसन बाय द डे, मजदूर होता है, आई थिंक क्लियरली मुझे भी नहीं याद है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इस
वर्ड को देखे हुए, बट मजदूरी होता है जो काम करता है ना, पीजेंट्स वगैरह। तो उसने जो है एक लेबर लेबर है ना, तो ही हायर्ड अ मेसन बाय द डे। उसने जो है एक मेसन को हायर किया बाय द डे का मतलब क्या हो गया? अब पता है यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? कंफ्यूज कैसे मत होना, ये मत सोचना कि बाय जो है टाइम के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे बाय का मतलब सेल वाला हो जाएगा है ना, तक हो जाएगा। नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे एक्चुअली में बाय का मतलब तक ही है या अकॉर्डिंग टू है। तो ये है ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि वहां पे प्रपोजिशन का कौन सा मीनिंग बन रहा है, ठीक है? प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। कब आएगा, कब हो पाएगा, कब समझ में आ पाएगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन अ वुमन और एन एनिमल, एनिमल और बर्ड को भी तो क्या करता है, वो करता है, वो करता है ना। एनिमल बर्ड को कुछ ट्रेनिंग दे दोगे तो वो प्रैक्टिस करेगा, सीख जाएगा, मतलब प्रैक्टिस इज द की। चलिए, तो बाय यहाँ पे अकॉर्डिंग टू की जगह ले रहा है कि भाई ही हायर्ड अ मेसन अकॉर्डिंग टू द डे। उसने मेसन को हायर किया, मजदूर को हायर किया दिहाड़ी पे, बात सिंपल सी कह रहा, दिहाड़ी के लिए, यानी कि एक दिन की दिहाड़ी के लिए। अकॉर्डिंग टू द डे मतलब एक दिन के हिसाब से, कि भाई एक दिन में तुम्हारा इतना बनेगा, इतना काम करोगे तो यहाँ पे बाय का मतलब है अकॉर्डिंग टू, ये मैंने लिख रखा है। जैसे उसको एक दिन के $100 मिलेंगे काम करने के, ठीक है? नेक्स्ट, शी सेल्स कोल बाय द टन्स, ठीक है? वो कोयला बेचती है इसके अनुसार, टन्स के अनुसार, ठीक है? एक टन में कितना केजी होता है, 1000, तो 1000 किलो, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बाय का मतलब अकॉर्डिंग टू द टन्स, तो कोयला बेचती है टन्स के हिसाब से। डोनाल्ड सेल्स बनानास बनानास बाय द डजन, ठीक है? कि भाई वो जो बनाना बेचता है, ठीक है, वो डजन के हिसाब से बेचता है, सभी जो है डजन के हिसाब से ही बेचते हैं। डजन हिंदी में दर्जन बोलते हैं, और एक दर्जन में कितने 12 केले आते हैं, ठीक है? 40 रुपए, 50 रुपए, यही सब रेट चलता रहता केले का। चलिए, समझ में आ गया। आई होप यू मस्ट हैव गॉट व्हाट आई वांटेड टू लेट यू नो। आगे बढ़ जाएंगे हम 11th वाले रूल पे। डिनोट डे टाइम या नाइट टाइम, ठीक है? डे टाइम या नाइट टाइम को डिनोट करवा सकते हो प्रपोजिशन बाय से। कैसे? इट इज सेफ टू ट्रैवल बाय नाइट हियर, ठीक है? कि भाई नाइट और ये जितने भी होते हैं ना, टू नाइट, ठीक है, और क्या क्या होता है, मिड नाइट, ये सारे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और भी है, और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, तो दोबारा सारे लिखवाने नहीं बैठूंगा। पॉइंट ऑफ टाइम के मैंने जो है जितने ही वर्ड्स होते हैं वो मैंने बता रखे पहले ही कुछ सेशंस में, तो देख लेना जाके। सब कुछ रिपीट करवाने बैठूंगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा काम का, है ना? तो डे टाइम या नाइट टाइम जो पॉइंट ऑफ टाइम के फॉर्म में होते हैं, उनको साथ, उनके साथ बाय लग जाता है। तो बाय हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ नहीं लगता है, ठीक है? तो भाई बहुत सेफ है या सेफ है टू ट्रैवल, ट्रैवल करना रात तक इस जगह, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आपका 12th, टू मीन इन द नेम ऑफ, ठीक है? इन द नेम ऑफ का मतलब क्या हो गया, किसी के नाम पर, ठीक है? आप किसी के नाम पर कुछ भी करते हो, ठीक है, कसम खाते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है? तो जैसे ही स्वेयर्स बाय गॉड, तुमने कभी सोचा कि भाई स्वेयर बाय गॉड क्यों होता है, आई स्वेयर बाय गॉड, ठीक है? क्योंकि वहां पे बाय यूज होता है इन द नेम ऑफ के लिए, इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है? मैं कसम खाता हूँ भगवान की, इस तरीके से, है ना? तो अब समझ में आ गया होगा तुमको कि यहाँ पे जो बाय है उसका पूरा मीनिंग है इन द नेम ऑफ, इसलिए बाय लगता है कसम खाने के लिए, इन द नेम ऑफ। और भी सेंटेंस बना लेना, एक एक सेंटेंस इसलिए लिया बिकॉज अगर मैं तीन तीन सेंटेंस सबके लिए लेने बैठूंगा तो सिंपल से सिंपल जो सेशन है बहुत लंबा हो जाएगा, एंड आई डो नॉट वॉन्ट दैट, ठीक है? मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको जो है बहुत सिंपल है, सेंटेंसेस खुद ही बनाओ, है ना, खुद ही बना लिया करो, तो इतने मुश्किल नहीं है। मुश्किल होते तो मैं और एग्जांपल्स देता, बट आई नो दैट यू कैन डू इट, है ना, सिंपल सेंटेंसेस है। 13th, यू मीन ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है, सेंटेंसेस में आ जाएगा। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, समझ में आ गया, ठीक है? आई होप यू मस्ट हैव गॉट, ठीक है, कि भाई मैं जो है इंडिया का सिटीजन हूँ बाय बर्थ, या बाय बर्थ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब हिंदी अकाउंट की क्या होती है, समझ में आ गया होगा ना, कि भाई इसके हिसाब से, है ना? तो भाई आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया बर्थ के हिसाब से, है ना? आपको पता है कि भाई इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? जब वो आदान प्रदान हो रहा था इधर से उधर, है ना, तो उस टाइम पे जो सिटीजनशिप के बहुत सारे रूल आए थे 1948 के अकॉर्डिंग, मतलब हाँ, तो कुछ डेट्स रखी गई थी कि भाई सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, किसी को बाय बर्थ, किसी को न्यूट्रलाइजेशन, किसी को पता नहीं क्या क्या था, तो मैं तो भूल गया, बहुत टाइम हो गया पड़े हुए, बट यही था। तो वही है, तो इस तरीके से आप बाय बर्थ या बाय कुछ भी यूज कर सकते हो, जिसका मतलब होता है ऑन अकाउंट ऑफ। एंड आगे क्या है, 14th रूल क्या कहता है, यूज क्या कहता है बाय का,
रेफर टू द फ्यूचर, फ्यूचर को इंडिकेट करवाता है बाय कभी कभार, यानी कि टाइम के लिए दोबारा यूज हो गया। लेटेस्ट टाइम को इंडिकेट करेगा, लेटेस्ट पुराना नहीं, नॉट लेटर देन, बाद का भी नहीं, ठीक है। एट विच द एक्शन विल बी कंप्लीटेड, मतलब जब तक कंप्लीट हो जाएगा काम तब तक, ठीक है। जैसे आई विल रीड द सेम नोवल बाय 9 o'clock, यहाँ पे बाय की हिंदी वही है जो मैंने पहले बताई थी, तक, ठीक है। तो बाय जब टाइम के लिए यूज होगा, पहली बात वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा, और दूसरा उसकी हिंदी होगी तक, ठीक है। और वो इसे उस टाइम को इंडिकेट करवाएगा कि उससे ना ही पहले ना ही बाद में, केवल वहीं तक, ठीक है, केवल वहीं तक, मतलब जो भी टाइम दिया गया है कि भाई मैं जो है इस नॉवल को या सेम नॉवल को पढ़ लूंगा 9 बजे तक, यानी कि 9 से ज्यादा लेट नहीं होगा। आई होप अब समझ में आ गया हो। चलिए अब है 9th, शी विल हैव अ रेस्ट बाय 9 AM, वो 11 बजे तक रेस्ट कर लेगी, है ना, वो 11 बजे तक रेस्ट कर लेगी। तो यहाँ पे 9 AM पहली बात क्या हो गया कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम है, दूसरा यहाँ पे बाय की हिंदी क्या है, तक। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बाय का यूज कर सकते हो, एंड विद दिस सेशन इज कंप्लीटेड। इससे ज्यादा तुम्हारे यूज नहीं है जो आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आज के सेशन में वी कंप्लीटेड प्रिपरेशन बाय, ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। और भी जो लोग हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो बेसिक इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं या बेसिक ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो दे कैन विदाउट एनी डाउट टेक माई सेशंस, है ना, दे कैन फॉलो ऑल दी लेक्चर्स, है ना। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू प्रपोजिशन, सिंपल प्रपोजिशन, और ऐसे करते करते हम सारी प्रपोजिशन कंप्लीट कर देंगे। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, एंड बी हैप्पी, हैव फन, बाय बाय।